हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को नमस्कार सभी का वेलकम इस क्लास में यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कन्फर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके प्लीज कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं आज हम पी पेपर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चंस को हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर रहेगा तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आर इशूड बाय बैंक्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स सो दीज कैन बी विद द फॉलोइंग फीचर्स बैंक अलग अलग तरह के एल सीज इशू करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं तो इनके कौन कौन से फीचर्स हैं इनको देख लेते हैं एल सी कैन प्रोवाइड फॉर एडवांस पेमेंट इवन बिफोर शिपमेंट एल सी में एडवांस पेमेंट का प्रोविज़न हो सकता है यानी गुड्स मैनुफैक्चर करने के लिए एल सी कैन बी इशूड इन प्लेस ऑफ बैंक गारंटी एल को बैंक गारंटी इशू ना करके एल सी इशू किया जा सकता है एल सी अनदर बैंक कैन गिव अ गारंटी ऑफ हर ईशंग बैंक फॉर पेमेंट ऐसा एल सी भी इशू किया जा सकता है जहाँ पे ईशंग बैंक के लिए गारंटी प्रोवाइड करेगा एक और बैंक पेमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम बेनिफिशरी इफ एल सी इज डिसऑनर्ड अगर एल सी के डॉक्यूमेंट डिसऑनर हो जाते हैं तो जो बेनिफिशरी है जिसने पैसा ऑलरेडी ले लिया है तो पेमेंट उससे रिकवर नहीं किया जा सकता एल सी कैन बी यूज अगेन एंड अगेन लाइक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट विदाउट रीइू एल सी को बार बार यूज़ किया जा सकता है ओवर ड्राफ्ट अकाउंट की तरह और बार बार उसको इशू नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं डिफरेंट एल सीज़ के हमने इसमें बताना है व्हाट इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ एल सीज एज़ पर अबब सीक्वेंस यहाँ पे जो सीक्वेंस बना हुआ है उस सीक्वेंस के मुताबिक ये अलग ये अलग लेटर ऑफ क्रेडिट के फीचर्स हैं यानी ये पांच अलग अलग टाइप के एल हैं तो इनके अलग अलग नाम हैं हमने उनकी टाइप के अकॉर्डिंगली ए बी सी डी ई उसके नाम लिख करके उनका प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं अब सभी ऑप्शंस को आप केयरफुली रीड कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर को प्रोवाइड करिए सो रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली इसमें जल्दी नहीं करना है आपको हाँ, पेपर में जितना फास्ट कर सकना है कर सकें करें लेकिन यहाँ पे रीड केयरफुली कौन कौन से एल हैं इसमें बेस्ट क्या रहेगा हम ए और ई e को देख लें उससे काफी हद तक हम क्विकली सॉल्व कर पाएंगे सो ए को देख लें पहले तो एल सी कैन प्रोवाइड फॉर एडवांस पेमेंट एडवांस पेमेंट वाला एल क्या होता है एडवांस पेमेंट वाले एल को हम कहते हैं रेड क्लास एल तो हमने यहाँ पे रेड क्लास को पकड़ना है सो so, रिवॉल्विंग है रेड क्लास है तो या तो हमारा आंसर ये हो सकता है या हमारा आंसर ये हो सकता है तो वन थिंग इज स सर्टन तो अब हम सेकेंड एल सेकेंड को पकड़ लेते हैं क्विकली एल सी कैन बी इशूड इन प्लेस ऑफ बैंक गारंटी तो इसको हम कहते हैं स्टैंड बाई एल सी तो स्टैंड बाई एल सी की क्लॉज को देख लेते हैं तो यहाँ पे कन्फर्म्ड है यहाँ पे स्टैंड बाई है तो इट मीन दिस शुड बी द आंसर लेकिन हम चाहें तो और ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं एल सी वेयर अनदर बैंक गिव्स गारंटी तो उसको हम कहते हैं कन्फर्म्ड एल सी तो वो यहाँ पे आ गया पेमेंट उससे वापस नहीं मांगा जा सकता तो वो हमारा विदाउट रिकॉर्ड एल सी आ गया उसको ओडी की तरह यूज़ किया जाता है तो हमारा रिवॉल्विंग आ गया यानी पेपर के अंदर अगर आपने स्मार्ट वे के अंदर ऑप्शन को चूज किया तो इस क्वेश्चन को हम काफी इजीली और काफी क्विकली हैंडल कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर फोर ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर टू बैंक गेट प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन अंडर नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एन आई एक्ट के अंदर बैंकों की डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए उनको प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है तो चलिए देखते हैं ये ट्रांजेक्शन क्या क्या हैं पेमेंट ऑफ एंडोर्सड चेक इसके लिए सेक्शन एट्टी फाइव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऐसा स्टेटमेंट है पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक सेक्शन 131 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कलेक्शन ऑफ ए चेक सेक्शन 128 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ चेक विद मटेरियल ऑल्ट्रेशन सेक्शन 87 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो ये पांच डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ गई तो इनमें हो सकता है कुछ स्टेटमेंट करेक्ट हो कुछ स्टेटमेंट करेक्ट ना हो हमने करना क्या है हमने सेक्शन नंबर्स जो करेक्टली स्टेटेड हैं यानी जो स्टेटमेंट दिया उसके साथ जो सेक्शन दिया है वेदर वो करेक्ट है कि नहीं हमने वो फाइंड आउट करना है सो विच ऑफ द सेक्शन नंबर इज करेक्टली स्टेटेड तो ए टू सभी सही हैं ए बी डी ओनली ए बी और डी ये करेक्ट हैं, ए सी ओनली या ए, ई ओनली। तो हमने चूज करना इनके अंदर कौन कौन से करेक्ट हैं तो एंडोर्स चेक के लिए जो पेमेंट है वो हमें सेक्शन 85 प्रोवाइड करता है क्रॉस चेक में 131 ये प्रोवाइड करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स में सेक्शन टेन हमें प्रोवाइड करता है कलेक्शन ऑफ चेक में वन ट्वेंटी एट पेमेंट ऑफ चेक विद मटीरियल एटी सेवन सो मटीरियल ऑल्ट्रेशन में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो सेक्शन 87 सेवन नहीं है वो सेक्शन 89 नाइन है ओके लेट एग्जामिन वन बाई वन पेमेंट ऑफ एंडोर्स्ड चेक यस yes, ये सेक्शन करेक्ट है सो दिस वन इज द करेक्ट पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक तो पेमेंट नहीं यहां पे कलेक्शन ऑफ क्रॉसिंग चेक के लिए ये सेक्शन सही होता है तो ये गलत हो गया पेमेंट इन अ ड्यू कोर्स सो दिस इज करेक्ट कलेक्शन ऑफ अ चेक सेक्शन 128 नो पेमेंट ऑफ अ चेक है सेक्शन 128 से रिलेटेड है वो तो ये भी हमारा गलत हो गया पेमेंट ऑफ चेक विद मटीरियल आल्ट्रेशन नो ये सेक्शन 89 है तो ये भी गलत हो गया यानी हमारा ए एंड सी ये ऑप्शन सही है सो दिस इज दिस आंसर तो हमारा आंसर आ गया इसमें सी सॉरी नंबर थ्री तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फॉलिंग अकाउंट्स नीड रिपोर्टिंग टू क्रिलिक क्रिलिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है सो so, क्रिलिक को रिपोर्टिंग किन केसेस के अंदर करनी है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज क्रेडिट ये फुल फॉर्म है क्रिलिक का करंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग वन करोड़ एंड अबब जनरल लोन्स आउटस्टैंडिंग फाइव करोड एंड अबब एस एम ए लोन्स रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स फाइव करोड एंड अबब बोरस क्लासीफाइड एज नॉन कोऑपरेटिव तो हमने इसमें तय करना है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस कौन कौन से अकाउंट्स इनमें रिपोर्टिंग होने हैं तो लेटस सी सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट हमने बताना ये है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये नहीं बताना कौन सी करेक्ट है ये बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं नन इनमें कोई भी गलत नहीं है सी एंड डी ये गलत है ए डी ई ये गलत है ए एंड ई ओनली ये गलत है तो चेक कर लेते हैं करंट अकाउंट जिनका वन करोड़ डब्ब का बैलेंस है उनको रिपोर्ट करना है ये तो सही स्टेटमेंट है जनरल लोन्स फाइव करोड़ एड्ब इनको रिपोर्ट करना है तो ये भी सही स्टेटमेंट है सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एस एम ए लोन्स एस एम ए लोन्स जो हैं वो केवल एस एम ए टू वाले हैं तो सारे के सारे नहीं तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया रेड फ्लैगड अकाउंट फाइव करोड़ एंड बब नो ये फिफ्टी करोड़ एंड बब है तो ये भी गलत हो गया बोरर्स क्लासीफाइड एज नॉन कोऑपरेटिव ये रिपोर्ट करने हैं तो हमारा आंसर जो बना गलत वाला है सी एंड डी है सो दिस मीन दिस शुड बी द आंसर सो ऑप्शन नंबर टू इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर ए टी एम्स आर एट ओपरेट बाई बैंकस एंड नॉन बैंक एंटिटीज जो ए टी एम्स हैं वो बैंक भी ऑपरेट करते हैं नॉन बैंक एंटिटीज भी ऑपरेट करते हैं जैसे वाइट लेबल ओन्ड एंड ऑपरेट बाई नॉन बैंक एंटिटीज सो वाइट लेबल हम उनको कहते हैं जो ओन्ड एंड ऑपरेट बाई नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं नॉर्मली ये नॉन बैंक फिनांस कंपनीज रहती हैं ब्राउन लेबल ओन्ड बाई बैंक्स बट ऑपरेटिड बाई नॉन बैंक वाइट लेबल कस्टमर फ्रॉम एनी बैंक कैन यूज इट ब्राउन लेवल कैश मैनेजमेंट बाई नॉन बैंक इज डन ब्राउन लेवल कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाई बैंक तो ये वाइट लेबल और ब्राउन लेबल के कुछ फीचर्स हैं उन फीचर्स में से ही हमने आंसर को पिकअप करना होगा सो so, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं वट इज़ द क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज करेक्ट इनमें से सही कौन सा है तो रीड करिए सभी स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से और फिर आंसर को प्रोवाइड करें यस डू इट क्विकली लेकिन केयरफुली रीड करिए तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी हैं? ए टू ई, ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ए ई ओनली इनमें से ए ई e, केवल ये करेक्ट हैं। ए बी डी ओनली या ए बी सी एंड ई ओनली तो इनको देख लेते हैं हम एक एक स्टेटमेंट को वाइट लेवल ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ब्राउन लेवल ओन्ड बाय बैंक्स एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है

ये हमारे पास रॉन्ग हो गई ए सी ई e ये करेक्ट हो गई सो दिस मीन ऑप्शन टू शुड बी आवर आंसर तो ये हमारा आंसर होना चाहिए यस इट इज़ आंसर नंबर टू ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ऑपरेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ऑपरेट करते हैं ये कौन कौन से हैं जो चिप्स है वो न्यूयॉर्क में ऑपरेट करता है जो चैप्स है वो यूरोप में ऑपरेट करता है जो चैट्स है वो होंगकोंग में ऑपरेट करता है जो फेड वायर है वो फेड रिजर्व यूएसए का है और जो बैंक वायर है वो इंडिया का है तो ये डिफरेंट ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज हैं हमने बताना है इनमें से सही कौन सा नहीं है तो कौन सा इसके अंदर गलत है तो वो हमने बताना है तो चलिए रीड करिए सभी ऑप्शन को केयरफुली और फिर आंसर को प्रोवाइड करें ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं ऑप्शन इनमें कोई भी गलत नहीं है ए एंड डी ये दोनों गलत हैं बी गलत है या सी गलत है तो चलिए इनको चेक कर लेते हैं चिप्स न्यूयॉर्क में ऑपरेट करता है सो दिस इज अ करेक्ट चैप्स यूरोप में ऑपरेट करता है नो no. ये ब्रिटेन में ऑपरेट करता है पूरे यूरोप में ऑपरेट नहीं करता चैट्स हांगकांग में ऑपरेट करता है फेड वायर जो है फेड रिजर्व यूएसए से कंट्रोल्ड है और बैंक वायर इंडिया का है तो हमारा केवल बी आंसर गलत है तो बी आंसर गलत के लिए हमारा आंसर बन जाएगा नंबर थ्री तो नंबर थ्री हमारा आंसर होना चाहिए यस इट इज नंबर थ्री अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट हैज फॉलोइंग फीचर्स स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट के कौन कौन से फीचर्स हैं नंबर वन मैक्सिमम बैलेंस वन लैक टोटल क्रेडिट एक साल में वन लैक विड्रॉल टेन थाउजेंड पर मंथ मैक्सिमम बैलेंस फिफ्टी थाउजेंड टोटल क्रेडिट वन ईयर में वन टेन थाउजेंड विड्रॉल टेन थाउजेंड पर मंथ मैक्सिमम बैलेंस फिफ्टी थाउजेंड टोटल क्रेडिट एक साल में पचास हजार विड्रॉल टेन थाउजेंड का पर मंथ नॉर्मली कैन बी अलाउड फॉर ट्वेल्व मंथ्स कैन बी अलाउड आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस सो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं हमने बताना है इनमें से कौन सी गलत है हमने रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है और ये हमारे ऑप्शन हैं तो यस क्विकली पिकअप करें सभी को केयरफुली रीड करें और फिर पिकअप करें कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है हमने बताना है गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है यस क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए रोंग स्टेटमेंट तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को एग्जामिन कर लेते हैं तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं मैक्सिमम बैलेंस वन हो सकता है नो no, ये तो गलत है मैक्सिमम बैलेंस वन लैख नहीं मैक्सिमम बैलेंस पचास हजार हो सकता है सो दिस इज रॉन्ग मैक्सिमम बैलेंस फिफ्टी थाउजेंड हो सकता है तो यह पार्ट तो करेक्ट है टोटल क्रेडिट जो है एक साल में कितना हो सकता है टोटल क्रेडिट हो सकता है दस हज़ार का तो ये दस हज़ार का क्रेडिट रॉन्ग स्टेटमेंट है विड्रॉल पार्ट ठीक है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके अंदर तो ये भी हमारा आंसर गलत हुआ मैक्सिमम बैलेंस पचास हज़ार हो सकता है टोटल क्रेडिट जो है अकाउंट में पचास हज़ार का आ सकता है विड्रॉल टेन थाउजेंड पर मंथ का हो सकता है तो इसके अंदर ये पार्ट हमारा गलत हो गया जो टोटल क्रेडिट है वो एक लाख का हो सकता है इन वन ईयर तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया है नॉर्मली इट इज अलाउड फॉर ट्वेल्व मंथ्स ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है पीरियड कैन बी अलाउड आफ्टर ट्वेल्व मंथ सब्जेक्ट टू सम कंडीशन यस ये स्टेटमेंट भी सही है तो हमने बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है तो इसका मतलब हमारा ए बी सी ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। तो आंसर हमारा बन गया इसके अंदर नंबर वन तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं फीचर्स ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग आर तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तो इस क्वेश्चन को हम इग्नोर करेंगे सो लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन एन एथिकल डायलेमा एग्जिस्ट वेन वन इज़ फेस्ड विद हैविंग टू मेक चॉइस अमंग फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स एथिकल डायलेमा कब एग्जिस्ट करता है जब किसी पर्सन को चॉइस करनी पड़ती है इनमें से किन ऑल्टरनेटिव्स की तो उसमें एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो उनमें किस ऑल्टरनेटिव को चूज किया जाएगा इसको लेकर के एथिकल डायलिमा एग्जिस्ट करता है तो वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं जब ये डायलिमा एग्जिस्ट करता है डायलिमा होता है दुविधा सिग्निफिकेंट वैल्यू कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरिंग इंटरेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स रियल अल्टरनेटिव्स विच इच इज इक्वली जस्टिफाइबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेपरेट कन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक गोल्स एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो ये हमारे पास डिफरेंट डायलेमा है इन सिचुएशन में जो एग्जिस्ट कर सकते हैं विच ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट इनमें से करेक्ट कौन सा है बी सी ई तीनों करेक्ट हैं बी सी डी ये तीनों करेक्ट हैं ए सी ई ये तीनों करेक्ट हैं या ए टू ई सारे के सारे ही करेक्ट है तो चलिए इन सभी सिचुएशन को एक एक करके केयरफुली एग्जामिन करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें यस रीड ऑल ऑप्शन केयरफुली और फिर तय करें इनमें से करेक्ट कौन कौन सी हैं तो चलिए एग्जामिन कर लेते हैं एक के को सिग्निफिकेंट वैल्यू कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिफरिंग इंटरेस्ट सो अगर वो वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है डिफरिंग इंटरेस्ट के बीच में तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है सो दिस वन इज करेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है देन रियल ऑल्टरनेटिव दैट इज इक्वली जस्टिफाइबल सो ऑल्टरनेटिव रियल हैं सारे के सारे इक्वली जस्टिफाइबल हैं तो वहां पे ये डायलोमा एग्जिस्ट हो सकता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेपरेट तो इस केस में कोई डायलमा की जरूरत नहीं रहती तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है कंफ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक गोल्स एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो इसमें डायलमा अराइज हो सकता है तो यहां पे भी डायलमा अराइज हो सकता है यानी इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनता है नंबर थ्री तो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर यस आंसर इज नंबर थ्री अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए बैंकर कैन बी इवेल्युएटेड फॉर एथिकल कमिटमेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस सो बैंकर को जब इवेल्युएट करना है एथिकल कमिटमेंट उसका कितना है तो इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके ऊपर उसका इवेल्युएशन हो सकता है हम बात कर रहे हैं बैंकर के इवेल्युएशन की यानी आपके इवेलुएशन की टू थ्री ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक इट कुड बी दिस स्टेज फोर फाइव ईयर्स ऑफ लर्निंग द जॉब फाइव सेवन ईयर्स ऑफ टेकिंग बैंकिंग एज ए करियर मिडल मैनेजमेंट लेवल्स दैट इज अ सेवन टू फिफ्टीन ईयर्स ऑफ द ज्वाइनिंग या आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स दैट इज अ सीनियर मैनेजमेंट लेवल तो हमने आंसर प्रोवाइड करना है वो स्टेज कौन सी है जहाँ इवेल्युएट किया जाएगा बैंकर को एथिकल कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सो विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं विच आर द ऑप्शन ए एंड बी सी एंड डी डी एंड ई या सी डी ईल डी तो देखिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को सभी को एग्जामिन करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें रीड ऑल ऑप्शन केयरफुली हमने आंसर देना है विच ऑफ दिज इज नॉट करेक्ट इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है एथिकल कमिटमेंट के लिए इवेल्युएशन के लिए तो चलिए एग्जामिन करते हैं ए के को लेकर के हमने आंसर देना नॉट करेक्ट का टू थ्री ईयर ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक ये तो करेक्ट नहीं है सो दिस पीरियड इज टू शॉर्ट जहाँ पे एथिकल कमिटमेंट को इवेल्युएट नहीं किया जाता फोर फाइव इयर्स ऑफ लर्निंग द जॉब तो ये भी करेक्ट नहीं है फाइव सेवन ईयर्स ऑफ टेकिंग बैंकिंग एज ए कैरियर सो बैंकिंग कैरियर जब शुरू किया उसके पांच से लेकर सात साल के बीच में यस दिस इज करेक्ट मिडल मैनेजमेंट लेवल यानी सात से लेके पंद्रह साल फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग सो दिस लेवल इज ऑल्सो करेक्ट आफ्टर फिफ्टीन ये दैट इज सीनियर लेवल मैनेजमेंट तो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट तो अगर हमने रॉन्ग आंसर बताने हैं तो दिस मीन अवर ऑप्शन वन इज अ करेक्ट हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर वन है तो so चलिए इसको चेक कर लेते हैं वट इट इज येस इट इज नंबर वन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सो so, अगले क्वेश्चन को हम टेकअप नहीं करेंगे सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया इंडिया बाय के अंदर कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैं इनको किन्होंने क्रिएट किया इसको लेकर के ये क्वेश्चन हैं तो चलिए पहले स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं आई ये क्रिएट किया एन पी सी आई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने NECS. So this is created by NPCI. NACH. This is created by Reserve Bank of India. RTGS. It is created by RBI. BBPS. It is created by Reserve Bank of India. So तो ये different हमारे electronic payment systems हैं और ये उनके नाम हैं जिन्होंने इसको create किया. हमने आंसर क्या provide करना है एक और है पी पी आई पी सी आई हमने बताना है इनमें से मैच कौन से करते हैं यानी कौन कौन से इनमें करेक्ट हैं तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे और हम आंसर्स को भी देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास आंसर ऑप्शंस हैं तो रीड करिए सभी को केयरफुली और एग्जामिन करिए चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एग्जामिन कर लेते हैं आई एम पी एस एन पी सी आई सो दिस इज करेक्ट ये तो करेक्ट है एन ई सी एच एन ई सी एस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस सो दिस इज नॉट प्रोवाइड बाई एन पी सी आई तो ये गलत हो गया एन ए सी एच दिस इज प्रोवाइडेड बाई आर बी आई तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है आर टी जी एस आर बी आई सो दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट बी बी पी एस आर बी आई तो दिस रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाई एन पी सी आई पी पी आईज प्री पेमेंट पेड इंस्ट्रूमेंट्स सो या प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो ये एनपीसीआई तो ये भी रॉन्ग है बिकॉज इट इज प्रोवाइड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो मैच करती हैं वो ए एंड डी है और उसके लिए हमारा आंसर बनता है नंबर टू तो चेक कर लेते हैं वेदर नंबर टू इज द एक्चुअल आंसर नॉट येस इट इज अ करेक्ट फीचर ऑफ सम पेमेंट सिस्टम आर गिवन कुछ पेमेंट सिस्टम्स हैं उनके फीचर्स हमें प्रोवाइडेड हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं अम्ब्रेला सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स इसको हम कहते हैं ट्रेड्स बी मूवमेंट ऑफ पेपर चेक्स स्टॉप्ड, इसको हम कहते हैं सी टी एस सी पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर अलाउड यूपीआई वेब बेस्ड हाई वॉल्यूम ई ट्रांजेक्शन्स एन ए सी एच वैल्यू स्टोरेज इन इंस्ट्रूमेंट्स आई एम पी एस और सेटलमेंट ऑन ग्रॉस बेसिस एन ई एफ टी तो ये अलग अलग हमारे पास पेमेंट सिस्टम्स हैं राइट साइड के ऊपर और ये उनके फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं हमें बताना क्या है हमने बताना इनमें से मैच कौन से नहीं करते हमने आंसर देना कौन से मैच नहीं करते ये आंसर नहीं देना कि मैच कौन कौन से करते हैं और ये हमारे ऑप्शंस हैं तो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें यस yes, रीड करें सभी को तो चलिए एक एक कर को रीड करते हैं अम्ब्रेला सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स सो अम्ब्रेला सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है तो ट्रेड्स वो सिस्टम नहीं है उसको हम कहते हैं बीबीपीएस तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई सो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ पेपर चेक स्टॉप्स, तो उसका हम सीटीएस का फीचर है ये सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर अलाउड इसको हम यूपीआई यस दिस इज करेक्ट वेब बेस्ड हाई वैल्यू ई ट्रांजेक्शन एन ए सी एच सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट वैल्यू स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट आई एम पी एस तो यह वैल्यू स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है सेटलमेंट ऑन ग्रॉस बेसिस एन ई एफ टी नो एन ई एफ टी में नेट बेसिस का सेटलमेंट होता है So, हमारे आंसर गलत हो गए एंड एफ सो दिस शुड बी आवर आंसर तो चेक कर लेते हैं वेदर हमारा ये आंसर बनता है या हमारा ये आंसर नहीं बनता यस दिस वन इज द आंसर तो यही हमारा आंसर बनता है इससे पहले कि हम इस सेशन को वाइंड अप करें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस पेपर्स इनका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है पिछले सालों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं अगर वो हमारे पास अवेलेबल हों तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है उनका तीन तरह से इम्पोर्टेंस है पहला हमें पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए कैसे पूछे गए कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए कौन कौन से मॉड्यूल से तो अगर ये हमें पैटर्न पता हो तो फिर हम जो हमारा रिवीजन करना है उसमें हम अपने फोकस को रीसेट कर सकते हैं यानी जब हम रिवीजन करेंगे तो उन क्वेश्चंस का उन चैप्टर्स का उन मॉड्यूल्स का खास ध्यान रखेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और तीसरा इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं और अगर उनमें से रिपीट होकर हमारे एग्जाम में आए तो उन क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकेंगे मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन ये वाले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये आपको सेवन टू टेन डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम मिलते हैं और ये अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट में और हमारी ऐप के अंदर तो आप इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें तो चलिए अब फ्रेंड इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का डिस्कशन इन अदर लेस ऑल्सो थैंक यू फ्रेंड्स